पिछले 20 साल से हर रविवार को जैकी श्रॉफ के घर पर दो बांसुरी वादक एक ही लक्ष्य लेकर पहुंचे हैं। जैकी श्रॉफ की स्टार बनाने वाली फिल्म हीरो से प्रसिद्ध बांसुरी अनुभाग का प्रदर्शन करने के लिए। जैकी के अनुसार हर रविवार को मेरे घर पर हीरो की बांसुरी बजाई जाती है, फिर वे चुपके से चले जाते हैं। अगर मैं शहर में नहीं हूँ तो कोई बात नहीं। हालांकि जब वे घर पहुँचते हैं तो ये लोग हीरो थीम का प्रदर्शन करते हैं, बजाते हैं बांसुरी बहुत प्यार से। जैकी के बांसुरी वादक प्रशंसकों द्वारा स्थाई राग को जोर से बजाया जाता है, जिससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वे ऐसा संगीत बजाते हैं जो पूरी इमारत को जगा देता है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। हीरो बांसुरी पर वो मार्ग बिल्कुल आश्चर्यजनक है। उस्ताद हरिप्रसाद चौरसिया स्व, तब से मैं पंडित जी का प्रशंसक रहा हूँ, और अब जब वे हर रविवार को मेरे लिए इसे बजाते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे फिल्मों में मेरे शुरुआती दिनों में वापस ले जाया गया है। जब जैकी हीरो के संगीत के बारे में सोचते हैं, तो वे बताते हैं वो बांसुरी गद्यांश लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा लिखा गया था। रविवार की सुबह इन अज्ञात बांसुरी वादकों ने उदार श्रॉफ के बावजूद कभी भी पैसा या भोजन स्वीकार नहीं किया, बार बार दोनों की पेशकश की। मैंने पंडित चौरसिया को नाटक सुना, यह मेरे लिए है। इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव था कि मैं एक रोमांटिक हीरो के रूप में कैसे जाना जाने लगा। जैकी को लगता है कि हीरो का संगीत वास्तव में अद्वितीय है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गाने हीरो के आकर्षण में एक समय में एक गीत जोड़ते थे। आज भी लोग गाने गुनगुनाते हैं, चाहे वो प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, तू मेरा जानू है, या डिंग डोंग ओह बेबी गाना गाओ। मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली था कि किसी फिल्म में मेरी पहली अग्रणी भूमिका में ऐसा संगीत मिला। सुभाष के झा भारत के एक अनुभवी पत्रकार और फिल्म समीक्षक हैं, जो पटना बिहार में रहते हैं।